के लिए जुड़े हुए हैं उसके बारे में पहले मैं बता दूं, मेरे साथ में कौन लोग हैं। मेरे डॉक्टर बी एस तोमर हैं, हमारे को चेयर हैं इस कॉन्फ्रेंस के। ये यहाँ वेजिटेबल क्रॉप्स के हेड भी हैं और जॉइंट डायरेक्टर एक्सटेंशन IRI में। और मेरे राइट में डॉक्टर मिस्टर प्रशांत बेलगामकर, ये बिजनेस हेड हैं एशिया अफ्रीका एंड इंटरनेशनल वेजिटेबल्स फॉर एडवांटा इंडिया एंड वन ऑफ आवर की स्पॉन्सर्स फॉर द मीटिंग। एंड हमारे उस राइट में डॉक्टर शरण अंगड़ी हैं, ही इज द एक्स एशिया पैसिफिक लीड फॉर रिसर्च इन नूनहेम्स विच इज़ नाउ BASF कंपनी। एंड लेफ्ट में डॉक्टर अपर्णा तिवारी, शी इज़ द सेक्रेटरी एंड द काइंड ऑफ पर्सन बिहाइंड डूइंग ऑल द हार्ड वर्क। शी इज़ CEO ऑफ ATPBR. ATPBR is the organizer conducting this along with Indian Agricultural Research Institute. With their collaboration only this whole program has been happening. तो ये जो मीट हम कर रहे हैं, ये ओकरा जिसको हम भिंडी बोलते हैं इंडिया में, इसके बारे में कर रहे हैं। ये क्रॉप जो है पिछले 8-10 साल में अब नंबर वन वेजिटेबल क्रॉप हो गई इन टर्म्स ऑफ टोटल वैल्यू। तो इसमें 2011 में कोई 90 करोड़ का सीड बिकता था, अभी कुछ लोग तो 1000 करोड़ बोलते हैं, कुछ लोग 1200 करोड़ भी बोलते हैं। इसका तो वैल्यू बढ़ गया है क्योंकि अब जो नए नए जातियां आई हैं वो यील्ड भी ज़्यादा है और रेजिस्टेंस टू वायरसेस भी ज़्यादा है। तो इसलिए फार्मर्स को बेनिफिट इसलिए मिल रहा है क्योंकि उनको कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र, एक्स्ट्रा क्या कहते हैं स्टेकिंग या जैसे टमाटर में करना पड़ता है, इसमें जो पहले करते थे वही करते हैं मगर 20-25% यील्ड उनकी ज़्यादा मिलती है। तो ख्याल इसके बारे में इसलिए आया कि सन 1985 से 90 तक सबसे बड़ा काम ओकरा में हुआ वायरस रेजिस्टेंस, जो यहाँ इसका शुरुआत डॉक्टर वायरस रेजिस्टेंस की शुरुआत IRI से ही हुई है। डॉक्टर HB सिंह यहाँ प्लांट इंडक्शन के हेड थे, उन्होंने ब्रीड करी थी एक वैरायटी पूसा सावनी। तो पूसा सावनी जब रिलीज हुई तो वो कंट्री की नंबर वन वैरायटी बन गई, वो ऑलमोस्ट लाइक 15-20 साल कंट्री की नंबर वन वैरायटी। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वायरसेस बदलते गए तो उनकी वजह से तो उसमें ब्रेकडाउन हुआ। तो फिर नई वैरायटीज़ आने में दो इंस्टीट्यूट्स का बड़ा हाथ रहा पहले। एक तो परभनी में जो इंस्टीट्यूट है, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ से एक वैरायटी निकली परभनी क्रांति। वहाँ के डॉक्टर नेरकर और उनके साथ जो साथी डॉक्टर जम्बाल हैं, उन्होंने वो प्रोड्यूस की थी। तो फिर वन ऑफ द बेस्ट वायरस रेजिस्टेंट वैरायटी वहाँ से आई। उसके बाद IHR में उसी दौरान में डॉक्टर OP दत्ता एंड हिज टीम, उन्होंने अर्का अनामिका निकाली।
तो ये दो वैरायटियां तब से चल रही हैं और अभी भी थोड़ा थोड़ा चल रही हैं, मगर सन 1990 के बीच में फिर तो डॉक्टर धनकर हैं, एक वो हजार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, उन्होंने वर्षा उपहार हिसार उन्नत वगैरह वैरायटी जो रेजिस्टेंट हैं, IRI से कई वैरायटी निकली हैं वहाँ से, आजकल उनमें से DOH 3 हाइब्रिड है, एक भिंडी 5 करके काफ़ी रेजिस्टेंट है और सब जगह चल रही है। मगर 95-96 के साथ से इंडो अमेरिकन हाइब्रिड सीड्स ने हाइब्रिड निकाले, फिर मैं भी उसमें इन्वॉल्व था, पाइनियर में हमने SUN 40 निकाला, फिर माइको ने MYCO 10 निकाला, उसके बाद सिंजेंटा में एक 152 करके सिंजेंटा 152 निकाली, फिर पिछले 5-7 साल में एक हाइब्रिड आया है राधिका जो एडवांटा से आया है, तो वो एक शॉर्ट इंटरनोडेड हाइब्रिड, तो उसमें सेम प्लांट छोटा हाइट का है मगर 35 फ्रूट भी निकलते हैं एक ही ब्रांच में, टोटल वो एक फार्मर था जिन्होंने 121 पॉड निकाले एक एक प्लांट में से, तो वो एक एक आई थिंक पाथ ब्रेकिंग काम हुआ, तो राधिका बिकेम ए बिग हाइब्रिड। तो उसकी वजह से क्या हुआ, फार्मर को कम समय में 20-25% ज़्यादा यील्ड मिलने लगी, रेजिस्टेंस सब जगह है, फर्टिलाइज़र उतना ही लगता है जो पहले लगता है, तो आज फार्मर जो है 50,000 मिनिमम से लेकर 2.5-3 लाख रुपए भी पर एकर कमाने लगा। तो ये अच्छा, अब हम कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं इसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं, कॉन्फ्रेंस इसलिए कर रहे हैं कि अब 30 साल से वो जो वायरस रेजिस्टेंस है, सेम जीन्स को हम वो क्रॉस कॉम्बिनेशन करके नए नए हाइब्रिड या वैरायटी निकल रही है, मगर 3-4 साल में सडनली कहीं ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि वायरस भी जिंदा रहना चाहता है, जिसको हम बोलते हैं डार्विन की जबानी में कि नो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो वायरस को भी जिंदा रहना है, तो दे कीप म्यूटेटिंग, तो कभी कलकत्ता में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो कभी गुंटूर में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो नई नई वायरस की जातियाँ आने के लिए वी हैव टू फाइंड न्यू सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ आके 3-4 बातें होंगी, एक तो करंटली एक समरी हो जाएगी हम कहाँ पहुँचे हैं पिछले 40 साल में जो ओकरा का प्रगति हुई है, और आगे जाके अब हम नए सोर्सेज ऑफ रेजिस्टेंस कहाँ से लाएंगे, तो उस पर कैसे काम किया जाए, तो उस पर पब्लिक और प्राइवेट दोनों आपस में कैसे कोलैबोरेट करें ताकि जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ निकल पाए। और एक और बात है कि पैंडमिक के बाद आज हेल्थ विद वेजिटेबल्स हैज बिकम वेरी इम्पॉर्टेंट, तो ओकरा में बहुत सारी खूबियाँ, एक तो एक अच्छा लैक्सेटिव है, इसमें फाइबर कंटेंट रहता है, इसमें प्रोटीन भी है क्योंकि इसमें सीड भी खाते हैं कच्चा, तो इसका प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा, पोटेशियम भी अच्छा, तो इसका मिनरल कंटेंट एंड मेडिसिनल वॉल, कई चीज़ें उसके मेडिसिनल के बारे, तो वो काम अब ज़रूरी हो गया कि न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ ओकरा इज ऑल्सो वर्कड ऑन, उसकी ब्रीडिंग होनी चाहिए ताकि नए जो वराइटीज़ हैं उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी लाएं, उनमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा करें और पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा करें, पोटेशियम हमारा जो स्टेबिलिटी ऑफ बोन्स है, पोटेशियम उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक और पिछले 3-4 साल से हुई है वो लाल भिंडी, यहाँ से भी आ रही है IRI से, क्या कहते हैं IIVR वाराणसी से, और एडवांटा ने एक हाइब्रिड भी निकाला कुमकुम करके, तो इसका कई फार्मर्स, उसमें से एक फार्मर यहाँ पे आए हैं उसके बारे में बोलेंगे, दे आर एबल टू सेल मोर देन 400-500 रुपीज़ पर किलो, क्योंकि उसमें न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत है, एंटी ऑक्सीडेंट्स बहुत है, तो ये एक नया किस्म की ओकरा मार्केट में आई है, तो इसमें भी फर्दर रेजिस्टेंस वगैरह ब्रीडिंग करना ज़रूरी है। तो इसके लिए यहाँ पर ये गोष्ठी होगी कि भाई अब ओकरा में नेक्स्ट 20 साल में क्या करना चाहिए, क्या चीज़ों का और इसमें नो डेवलपमेंट करनी चाहिए, और एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा क्रॉप इम्प्रूवमेंट साइंटिस्ट ऑफ ओकरा का, कि हर 2 साल में ये मीटिंग हम करना चाहते हैं। ATPBR एक ऑर्गेनाइजेशन है नॉट फॉर प्रॉफिट, तो ATPBR पिछले 4 साल से हर साल एक नेशनल सिंपोजियम करती है, तो अभी मार्च में हमने एक सिंपोजियम भुवनेश्वर में किया था, उससे पहले धारवाड़ में, उससे पहले औरंगाबाद, उसमें हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि स्टूडेंट्स लोग आएँ,
तो इसलिए हम यूनिवर्सिटीज़ में जाके कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला पुणे में होने वाला है जिसमें हम नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस करेंगे। मगर इन बिटवीन जब हमने ये मुद्दा उठाया कि वो ओकरा में इतना सारा हो गया कि ओकरा नंबर वन वेजिटेबल बने, इट्स टाइम टू कि हम लोग आपस में बात करें, सभी साइंटिस्ट मिले, तो उसमें इनका बहुत हाथ है कि उन्होंने इमीडिएटली हाँ कर दी। डॉक्टर ए के सिंह हैं यहाँ पर डायरेक्टर, तो उन लोगों ने भी, डी डी जी ने भी हाँ कर दी। तो वी हैव गॉट, आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर गेटिंग द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर टुगेदर एंड टेक द ओकरा फॉरवर्ड। कुछ साल पहले यही टमाटर में हुआ, वो अब दो साल में तब से हो रहा है, वो अभी हम मैं इन्वॉल्व था उसमें, 2014 में पहला हुआ था, अभी चौथा वाला अभी बेंगलोर में हुआ उसका कॉन्फ्रेंस। तो इसी तरह ओकरा का भी हर दो साल में ग्लोबल, क्या पता नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस अफ्रीका में हो, क्योंकि इंडिया के बाद नेक्स्ट बिग कंट्री इज़ नाइजीरिया। इंडिया 70% ग्रो करता तो नाइजीरिया 12-15% ग्रो करता। सो ये एक इसकी स्टोरी है जिसके पीछे हम मिल रहे हैं। ग्लोबल ओकरा राउंड टेबल फर्स्ट के इस शुभ अवसर पर मैं अपने देश में विदेश में भिंडी के क्षेत्र में कार्यरत वैज्ञानिकों, बीज कंपनियों और किसानों सभी को उनको बधाई देना चाहता हूँ कि उन सब के योगदान और कार्य के कारण आज हम इस स्थिति पर, ये हम काम पर पहुँचे हैं कि हम पहली ग्लोबल ओकरा राउंड टेबल का आयोजन नास कॉम्प्लेक्स में कर रहे हैं। और इसका आयोजन ATPBR जो एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम का आयोजन 10 से 12 अक्टूबर के दौरान करने का ये कार्यक्रम है। और इस की पृष्ठभूमि ये है कि ये आवश्यकता क्यों है, जैसा कि डॉक्टर टिक्कू ने बताया कि हमारे देश में भिंडी विश्व में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर इसकी खेती होती है और हमारी औसत पैदावार 10 से 12 टन के बीच में है, जो आगे और बढ़ाने की संभावना है। तो एक तो मुद्दा ये है कि हम किस प्रकार से अपनी प्रति इकाई क्षेत्रफल से अधिक उत्पादन लें। दूसरी बात है कि भिंडी के अंदर जो लगने वाली बीमारियां हैं, जैसे पीत सीरा रोग जिसको YVM भी बोलते हैं, और एक नई बीमारी विषाणु के द्वारा जो फैलती है ELCV, इन दोनों बीमारियों के प्रति रोगरोधी किस्मों एवं संकर किस्मों का विकास करके किसानों को बेहतर उत्पादकता एवं बेहतर गुणवत्ता के उत्पाद पैदा करने में मदद करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ जब इन किस्मों के विकास और संकरों के विकास से किसानों की लगने वाली लागत, जिसमें कीटनाशकों के निरंतर इस्तेमाल इनके नियंत्रण के लिए, क्योंकि ये विषाणु के रोग हैं और इनका फैलाव जो वेक्टर है वाइट फ्लाई या रस चूसने वाले कीड़े या और छोटे कीड़े उनसे होता है, तो उसके लिए किसान निरंतर छिड़काव करता है। और भिंडी परागण के 4 से 5 दिन बाद तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है, तो ऐसे में भिंडी के इस्तेमाल के साथ साथ हमारे आहार में कीटनाशकों के जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो इन दोनों समस्याओं से किसानों को खेती लाभकारी बनाने और लगने वाली लागत को कम करने की दिशा में यहाँ पे चिंतन मंथन होगा। और इसमें देश के कोने कोने से हमारे देश की जितनी भी बीज कंपनियाँ हैं जो ओकरा के उत्थान में लगी हुई हैं, और विदेशों से, इजिप्ट से, नाइजीरिया से और दूसरे देशों से भी यहाँ प्रतिभागी इस कार्यक्रम में आए हैं जो अपने विचार रखेंगे, और एक ऐसी कार्य पद्धति का विकास करने का प्रयास किया जाएगा कि भिंडी में किस प्रकार से हम और आगे बढ़ें कि उसकी उत्पादकता बढ़े, उसकी गुणवत्ता बढ़े, क्योंकि आज बाज़ार में तरह तरह के उत्पादों की आवश्यकता है। कंज्यूमर का जो थिंकिंग है वो बहुत तेज़ी से बदल रहा है, तो उस बदलते हुए मांग को देखते हुए हमें भिंडी के इम्प्रूवमेंट जो कार्यक्रम हैं उनमें भी परिवर्तन लाना है, और कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल हो ताकि हमारी मृदा, हमारा वातावरण, हमारा उपभोक्ता सुरक्षित रहे और हम लंबे समय तक इस अपनी बढ़ने वाली जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में साग भाजियों का उत्पादन कर सकें।
मैं आशा करता हूँ इस अवसर पे जो हमारे देश के कोने कोने से आए हुए वैज्ञानिक और इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो अपने अनुभव साझा करेंगे और ऐसी कार्य नीति तैयार करेंगे जिससे हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं इसी शुभकामना इस अवसर पे अपने निदेशक महोदय डॉक्टर अशोक कुमार सिंह की तरफ से संस्थान के और अन्य साथियों जो भिंडी के इम्प्रूवमेंट कार्यक्रम में लगे हुए हैं उन सब के तरफ से इस अवसर पे सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये आयोजन सफल हो और इससे एक हम बेहतर कार्य नीति तैयार करने में सफल होंगे, मेरी ऐसी शुभकामनाएं आयोजन के साथ। नमस्कार, मैं प्रशांत दिलगमवार एडवांटे के एरिया एशिया अफ्रीका का काम देखता हूं और यहां आए वाले ग्लोबल ओकरा राउंड टेबल में आने वाले सभी साइंटिस्ट स्टूडेंट्स इन सबका मैं यहां पे स्वागत करता हूं। मुझे यकीन है कि ये ग्लोबल ओकरा राउंड टेबल एक 360 डिग्री में ओकरा क्रॉप के बारे में सोचेंगे जिसमें हमारा उपज आता है उसमें कैसे वृद्धि करे, जिस तरह से मार्केट में किस तरह से बढ़ाए कंजम्पशन को। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ओकरा क्रॉप में पूरे विश्व में जो संशोधन हो रहा है वो भारत से लीडिंग हो रहा है। भारत में सबसे अच्छा संशोधन ओकरा क्रॉप में हो रहा है और हमारे कंपनी का एडवांटा कंपनी जो है, जो UPL की एक सहभागी कंपनी है, इनका उद्देश्य एक है कि वो ग्लोबल क्रॉप बनाए ओकरा। इसलिए जब डॉक्टर साहब और ATPBR हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि हमें ये कौन ऐसा हम राउंड टेबल कर रहे हैं तो हम तुरंत उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी कंपनी चाहती है कि ये ग्लोबल क्रॉप बने। आज हम देखेंगे कि बहुत सारे वेजिटेबल के क्रॉप जो है उनका रिसर्च जो है वो अलग अलग देशों में लीड हो रहा है, लेकिन ओकरा का रिसर्च जो है वो सिर्फ भारत में से लीड हो रहा है। इसलिए हमें ये अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि हम यहाँ के प्रोड्यूस किए वाले वेराइटीज, यहाँ से प्रोड्यूस किए वाला फ्रेश फ्रूट्स बाकी कंट्रीज में भेजें और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दें। सो इस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पे आए हैं। हमारी कंपनी ने ओकरा में एक क्रांतिकारक हाइब्रिड्स इंट्रोड्यूस किए हैं, राधिका, जानी, नव्या, जो आज भारत के हर किसान उसको लगा रहा है और उससे अच्छा से अच्छा बेनिफिट ले रहा है। ये सब करते हुए हम आज ओकरा क्रॉप को हमने बांग्लादेश में स्प्रेड किया है, हमने म्यांमार में उसको स्प्रेड किया है, अफ्रीका मिडिल ईस्ट में भी हम उसको अच्छी तरह से बिजनेस को बढ़ा रहे और जिसके लिए हमारी कंपनी अविरत कार्यरत है। इस कॉन्फ्रेंस से जो मंथन से जो विचार आएंगे, एक्शन आएगा, उससे मैं चाहता हूँ कि आगे चल के हमारी कंपनी और बाकी सारे कंपनियाँ यहाँ पे जो आई हैं वो ओकरा क्रॉप को ग्लोबल लेवल पे लेके जाए, क्योंकि आज भारत में नंबर एक का वैल्यू डिलीवरिंग क्रॉप है सीड इंडस्ट्री के लिए। आगे चल के मैं चाहता हूँ कि पूरे विश्व में एक ऐसा क्रॉप बनेगी जो ना सिर्फ किसानों के लिए बट उपभोक्ता के लिए भी ये बहुत अच्छा क्रॉप है, क्योंकि हेल्थ बेनिफिट की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आज यदि हम प्राइस इंडेक्स को ये करेंगे, कंपेयर करेंगे टोटल वेजिटेबल का वर्सेस ओकरा का, भिंडी का, तो ये कंज्यूमर को, उपभोक्ता को पॉकेट फ्रेंडली क्रॉप है, किसानों के लिए आसानी से वो ग्रो कर सकते हैं, कंज्यूमर्स उसको अच्छे दाम में उसको ले सकता है और बेनिफिट्स इसके हाईएस्ट है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये क्रॉप ग्लोबल क्रॉप बने और आगे प्रगति करे। पुनश्च एक बार मैं इस अवसर पे आने वाले सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका स्वागत करता हूँ और इस कार्यक्रम को शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। जैसा कि अभी वेलकम बार सर ने बताया कि ओकरा ऐसी क्रॉप है जहाँ पर इंडिया में सबसे अच्छा रिसर्च चल रहा है ओकरा के ऊपर, तो ये जो मीटिंग के थ्रू हम जो डिस्कशन करेंगे उसके माध्यम से हम पूरे इंडिया में जो भी साइंटिस्ट, जो भी फार्मर्स, जो भी अनुसंधान कर रहा हो या उससे जुड़ा हुआ हो उसको एक मैसेज देना चाहेंगे कि ओकरा के थ्रू हम एक ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। हमारे पास बहुत क्षमता है, हमारे पास बहुत सारा वैरायटी है, जर्मप्लाज्म है, और उसको और बड़ा हम कैसे बना सकते हैं ये एक प्लेटफॉर्म उसके लिए हमने तैयार किया है। और आई एम श्योर जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं
जब वो रिटर्न करेंगे तो उनके साथ में न केवल नॉलेज होगा बट ऑल्सो एक कोलेबरेशन के चांसेस होंगे कि कैसे हम मिलके काम करें और क्रॉप को और दूसरे स्तर पे लेके जाएं, जहां आज वो नहीं खड़ी है उससे भी ऊंचाई पर उसको लेके जाएं। तो हमारे यहां पर अभी कंट्री कंट्री के तो रिप्रेजेंटेटिव हैं ही, ऑल ओवर इंडिया का रिप्रेजेंटेशन है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कोई भी कॉर्नर नहीं छूटा है जहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स आज यहाँ नहीं आए हैं। तो एक ये बहुत बड़ा एक ओकरा के लिए, भिंडी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हम सिर्फ एक क्रॉप के ऊपर बात करने जा रहे हैं और शायद ये इंडिया में मेरे नॉलेज में पहली बार ऐसी कोई मीटिंग हो रही है। तो मैं सभी यहाँ पर आए जितने लोग हैं उनका तो थैंक यू करूँगी और आप सबका भी बहुत बहुत थैंक यू है, बिकॉज आप लोग ही हमारी आवाज़ को थोड़ा और लाउडर करने में हेल्प करोगे और जो जिस मोटिवेशन या जिस इंस्पिरेशन के साथ हम आए हैं उसको और आप यू नो प्रोमिनेंट करने में हमारी हेल्प करोगे। सो थैंक यू फॉर कमिंग हियर। इंडिया के बाद ऐसी कंट्री है जहाँ ओकरा ज़्यादा होता है, तो नाइजीरिया से एक तो यहाँ आ गई है और एक वर्चुअली अटेंड करेंगी इनको, और एक साउथ अफ्रीका में है प्रिटोरिया से डॉक्टर एब, वो गूगल स्कॉलर हैं, वो भी अटेंड करेंगे। वो इस वक्त उनको जाना पड़ गया यूएसए, बट यूएसए से वो अपना पेपर, दो पेपर है उनके, एक एग्रोनॉमी पे है ब्रीडिंग पे है और एक न्यूट्रिशनल क्वालिटी ब्रीडिंग पे है, तो वो करेंगे। फिर इजिप्ट से भी एक साइंटिस्ट आए हुए हैं डॉक्टर इब्राहिम, तो वो भी यहाँ पर पर्सनली आके उनका प्रेजेंटेशन भी है। तो ये यहाँ से इसको ग्लोबल बनेगा क्योंकि वो जाएंगे बाहर, तो जाके इसके बारे में बात करेंगे। टोटली मुझे लगता है 115 के करीब रजिस्ट्रेशन हुई है इंडिया में। तो अब इससे हमारा इरादा है कि ये जो 3 दिन का डेलिब्रेशन होगा, हम आपस में मंथन करेंगे, इसकी एक बुक भी हम पब्लिश करने वाले हैं। वो बात हो रही है पब्लिशर से ऑलरेडी, स्प्रिंगर हैज ऑलरेडी एग्रीड। तो इट मीन्स ये जो सारे फुल पेपर्स और इसकी जो समरी एट द एंड, वो करके हम एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा, वो बुक फॉर्म में भी आएगा। तो हर 2 साल के बाद ये देखा जाएगा कि जो हमने उस दिन इरादे किए थे उसमें आगे क्या बढ़े और उसके आगे और क्या करना चाहिए वो करते रहेंगे। इसमें स्टूडेंट्स भी आए हैं तो उनको भी ओकरा में उसका ज्ञान बढ़ेगा, ओकरा में क्या हो रहा है, तो वो भी पॉसिबिलिटी है। हमारे यहाँ 3 फार्मर्स हैं जिन्होंने ओकरा को ग्रो करके उन्होंने तो काफ़ी अच्छा उपलब्धि करी है। तो एक तो वो लाल वाली भिंडी है, एक नॉर्मल भिंडी ग्रो कर रहे हैं, तो तीसरे भी हैं वो ग्रीन भिंडी वाले। तो 3 फार्मर विल रिप्रेजेंट कि भाई उनको ओकरा से क्या फ़ायदा है। हम इसमें सीड प्रोडक्शन के बारे में जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, ताकि सीड प्रोडक्शन के फार्मर भी अलग होते हैं, उनको साथ हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स का चैलेंज क्या होता है, उसको ओवरकम कैसे किया है, वो भी एक पेपर बांटा के मिस्टर हेगडे हैं वो प्रेजेंट करेंगे। प्लस हमारे यहाँ के भी है ना, यहाँ से भी आई बी आर से भी, दे विल टॉक अबाउट दैट। तो ये सिर्फ ब्रीडिंग ही नहीं, सीड प्रोडक्शन के बारे में, न्यूट्रिशनल क्वालिटी के बारे में, एग्रोनॉमी के बारे में, किस स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, किस, ये सब का नतीजा फाइनली आई बिलीव दैट वी विल कम आउट विद ए समराइज्ड पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जो IRR तो हमारे साथ ही है, तो ये गवर्नमेंट के पास जाएगा कि भाई ये इसमें हेल्प चाहिए या इस हिसाब से इसका संशोधन होना चाहिए, तो वो इसकी एक और नतीजा निकलेगा एट द एंड। आपने जो प्रश्न किया कि भाई जो हमारा आगे का कार्य नीति क्या होगी बीमारियों के ऊपर, कीड़ों के ऊपर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो भी भिंडी के अंदर नई किस्मों का विकास हो रहा है, ये अखिल भारतीय शाकीय परियोजना के अंतर्गत ये निर्णय लिया गया और उसको अपनाया जा रहा है कि कोई भी किस्म जो ओकरा के जो लगने वाले रोग हैं YVMV और ELCV के लिए उनका रेजिस्टेंट होना आवश्यक है, उन्हीं किस्मों को अखिल भारतीय स्तर पे उनका टेस्टिंग किया जाएगा। तो एक तो ये नीतिगत निर्णय है, दूसरा जो है निरंतर प्रयास ये है कि नए जो स्रोत हैं
इसके रोग रोधिता के, जिनमें हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम जंगली जो हमारी प्रजातियां हैं एबिल मोस्चस मैनी ओट सब स्पीसीज एबी ओट टेट्राफाइलस कैलाई है, इस तरह से हमारे पास बहुत सारी मैक्यूलेटस है, जंगली किस्में हैं जिनके अंदर रोग रोधिता है और उन किस्मों का हमारी जलवायु में बहुत ही बेहतर अडेप्टेशन है। तो उन सबको ब्रीडिंग प्रोग्राम में आगे इस्तेमाल करना है और उसके अंदर जो कठिनाई आती है जब हम उनसे जंगली किस्मों से अपनी सामान्य लाइनों को संकरण कराते हैं तो उसमें F1 में सीड नहीं बनते या F1 स्टाइल हो जाता है या बीज में भ्रूण का विकास नहीं होता। ये तीन प्रमुख चुनौतियां हम हैं जब जंगली साधनों से स्रोत से हम इन स्रोत को ला करके और एक डाइवर्सिफाई बैकग्राउंड हम देना चाहते हैं। डॉक्टर टिक्कू ने कहा कि जो हम एक निरंतर एक ही स्रोत को इस्तेमाल करके किस्मों का विकास किया और वो 3 से 5 साल के बाद उनका जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक डाउन हो जाता है क्योंकि विषाणु अपने नए फॉर्म तैयार कर लेता है। तो ऐसे में जब विषाणु के आकृति में बदलाव है, उसकी प्रवृत्ति में बदलाव है, तो हमें अपने ब्रीडिंग प्रयासों में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। तो एक तो ये रहे कार्य होगा जिससे कि किसानों को जो किस्में मिलेंगी वो इन बीमारियों से मजबूत होंगी और उनका कम से कम दवाई के छिड़काव पे इस्तेमाल करना पड़ेगा। और जैसा कि आपने भिंडी के बारे में बताया कि भाई भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भारत में है, सबसे ज़्यादा उत्पादन भारत से है और भारत तो पूरे साल भिंडी उगाने की क्षमता रखता है जिससे निर्यात करने की भी अपार संभावनाएं भिंडी में हैं। हालांकि अभी भिंडी हमारे देश से निर्यात में जा रही है लेकिन निर्यात को और बढ़ाने की हमारे सामने स्कोप है, हम उसको प्रयास कर सकते हैं और करेंगे ताकि हमारा देश का किसान समृद्ध हो और हमारा भिंडी भारत की फसल ना हो ये विश्व की फसल हो और विश्व के लोग भिंडी के जो बेहतर पोषण है इसके अंदर मिलने वाला जो रेशा है या प्रोटीन है या मिनरल्स हैं आयोडीन है जो एकमात्र सब्जी फसल है जिसमें आयोडीन होता है जिसके माध्यम से हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो इस दिशा में कार्य होंगे, गुणवत्ता में सुधार होगा, भंडारण क्षमता में सुधार होगा, निर्यातक देशों की जो मांग है उसके हिसाब से नीति तैयार होगी ताकि हम एक इस समस्या को एक बड़े इंटीग्रेटेड तरीके से इसका विवेचन करेंगे और उस पर अनुसंधान की नीति बनाएंगे ताकि आने वाले समय में इस दिशा में बेहतर किसानों को किस्में और संकरों का विकास करने में योगदान दिया जा सके।